बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन पीपीएससी का सेट नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पीईटी टर्म यूज इन मेडिकल फील्ड स्टैंड्स फॉर। पीईटी टर्म जो है मेडिकल के अंदर यूज होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी। ये एक स्कैन करने की टेक्निक है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है जो कि हमारे आर्गन और टिश्यूज की वर्किंग को दिखाता है और उससे पता चलता है कि किसी आर्गन या टिश्यू के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाह वली उल्ला रोट हाउ मैनी बुक्स। शाह वली उल्ला ने टोटल कितनी बुक्स लिखी हैं? तो इसका जवाब है 51 बुक्स। ये 51 बुक्स उस कुरान पाक के ट्रांसलेशन के अलावा हैं जो उनका मशहूर तर्जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल एम्पायर। मनसबदारी सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम था जो कि एक मुगल एम्पायर ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो कौन से मुगल एम्पायर थे? जलालुद्दीन अकबर इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया वॉज ऑन विच टॉपिक। लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया किस टॉपिक के ऊपर एक बुक लिखी गई थी? तो ये थी लॉयलिटी ऑफ इंडियंस टू ब्रिटिश। ये सर सैयद अहमद खान ने बुक लिखी थी जब 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद लिखी गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बहुत ज़्यादा मजालिम शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने ये लिखी थी कि मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश के लॉयल्स हैं और उन्होंने ऐसी कोई बगावत की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सुई गैस इन विच ये डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सुई गैस कब डिस्कवर हुई थी? तो इसका दूसरा जवाब है 1952 के अंदर सुई के मकाम, यानी हिंदुस्तान में सुई के मकाम पर सुई गैस डिस्कवर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द प्रेसिडेंट प्रायर टू फजल इलाही चौधरी। फजल इलाही चौधरी से पहले पाकिस्तान का सदर कौन था? तो इसका दूसरा जवाब है जी ए भुट्टो। जुल्कार अली भुट्टो के बाद यानी कि फजल इलाही सदारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हिनाइन पैलेस इज इन विच कंट्री। हिनाइन पैलेस कौन से कंट्री के अंदर है? तो ये लेबनान, लेबनान की कैपिटल सिटी बैरूत के अंदर एक पैलेस है, एक कदीम पैलेस है। तो ये लेबनान के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लेंथ ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की दोनों तरफ जो है, यानी कि एक तरफ आज़ाद कश्मीर और एक मकबूजा कश्मीर, इन दोनों के दरमियान जो पाकिस्तान और इंडिया की सरहद है उसको LOC कहा जाता है। और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो उसकी टोटल लेंथ 740 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जी, वापटा वाज फाउंडेड ऑन विच डेट। वापटा जो पाकिस्तान का वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी किस डेट को बनी थी? इसके जो है 22 फरवरी 1958 को वापटा बनाया गया था। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 10, सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन विच डेट विच ईयर। सर सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई थी? तो इसका जो जवाब है 1898। नेक्स्ट है जी, डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय। डायनामाइट जो है एक धमाका खेज मवाद है, ये किसने इन्वेंट किया था? तो इसका दूसरा जवाब है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने ये डायनामाइट इन्वेंट किया था, लेकिन उसके बाद वो इतना पसमानदा परेशान हुआ कि उसने जो अपना सारा पैसा था वो एक नोबल इनाम के लिए मुख्तस कर दिया कि हर साल उन लोगों को ये इनाम दिया जाए जो कि अमन के लिए काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु स्टार्टेड एंशियंट ओलंपिक गेम्स। एंशियंट ओलंपिक गेम्स किसने स्टार्ट किए थे सबसे पहले? तो इसका दूसरा जवाब है ग्रीक्स, यूनानी, यानी अहले यूनान ने सबसे पहले ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है जी, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड ड्यूरिंग द रेजिंग ऑफ। किस के एयर के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जगहों के ऊपर पानी की तकसीम को मुआहदा हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, तो वो अयूब खान के दौरे हुकूमत में 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है जी, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होती है जी, यानी कि 1 GB जिसे 1 किलोबाइट को 1 GB कैसे, गीगाबाइट भी कहते हैं, तो 1024 बाइट्स के बराबर, सॉरी MB, 1 MB 1024 बाइट्स के बराबर होती है, और 1 GB गीगाबाइट होती है वो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टू मैयर ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा के अंदर नमी का तनासु मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो उसका दूसरा जवाब है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हवा के अंदर नमी की मकदार को मैयर करने का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैपिटल ऑफ स्पेन इज। स्पेन का कैपिटल कौन सा है? तो इसका दूसरा जवाब है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है, अक्सर बुल फाइटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ के अंदर बुल फाइटिंग यहाँ इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा होती है मैड्रिड के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ह्यूमन राइट्स डे जो है इंसानी हकूक का जो दिन है वो हर साल किस डेट को मनाया जाता है, तो इसकी जवाब है 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई थी, तो इसके जो जवाब सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान ने 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोकिया ब्रांड बिलोंग्स टू, जो नोकिया मोबाइल फोन का ब्रांड था जो कि अब काफ़ी कम हो चुका है, तो किस कंट्री से बिलोंग करता है, फिनलैंड, फिनलैंड के अंदर, ये फिनलैंड यूरोप की कंट्री है, नोकिया इस मुल्क की कंपनी है। लास्ट क्वेश्चन है 20, शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जनरल कौन से थे, तो इसके जो है कहा जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी रहे हैं।